मोदी सरकार का बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है और उसको लेकर तमाम लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं, खास करके नौकरी पेशा के लोग, कारोबारी या फिर महिलाएं, हाउसवाइफ, ये लोग क्या चाहते हैं इस सरकार से। इन लोगों से हम बात करते हैं कि दिल्ली का जो पटपड़गंज का इलाका आईपी एक्सटेंशन, वहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, चाहे वो नौकरी पेशा के लोग हों या फिर कारोबारी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, सभी लोग हैं मौजूद। तो यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहित शर्मा। मोहित जी, आप क्या करते हैं? हाँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस है। क्या उम्मीद है आपको टैक्स या तमाम चीज़ों को लेकर सरकार से, क्या उम्मीद है इस बजट में? देखिए, गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने जब से आई है, बिजनेसमैन के लिए बहुत इजी हो गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से हम बहुत इजीली बिजनेस कर पा रहे हैं, और खासकर GST लेके आई है, तो जहां लोग एक नंबर में काम नहीं करा करते थे, बहुत काफ़ी हद तक लोग एक नंबर में काम करने शुरू कर दिया है। और थोड़ा सा अगर हम गवर्नमेंट से जो एक उम्मीद यही रखते हैं कि और थोड़ा बिजनेस का सिस्टम और ईजी हो जाए। टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स देना ही चाहिए, ये हमारी, क्योंकि देश चलेगा कैसे? जो लोग कहते हैं टैक्स कम कर दो या फिर ये कम कर दो, ये तो गलत चीज़ है। टैक्स हम देना चाहते हैं। उस गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत कई योजनाएं ऐसी लाके आई जिससे बिजनेस बहुत बड़ा है। और ऐसे तरीके की आसानी चाह रहे हैं, मतलब कौन सी चीज आप चाह रहे हैं कि इजी होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो टैक्सेशन, खासकर जो व्यापारी परेशान है ना, वो टैक्स डिपार्टमेंट के कोई जो नोटिस आते हैं या इस तरीके से परेशान है। और कई बार क्या होता है कि व्यापारी भी गलत नहीं होता, लेकिन कुछ ऑनलाइन फीडिंग्स ऐसी हो जाती मतलब है, कम्युनिकेशन गैप और सिस्टम थोड़ा सुधार की जरूरत। सिस्टम अगर और सुधरे तो हमारा भारत का व्यापार और आगे बढ़ेगा, और नो डाउट मोदी जी के गवर्नमेंट के अंदर व्यापारी बहुत सुखी है और व्यापार बहुत बड़ा है। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? वी के जैन। आप सीनियर सिटीजन हैं, तो फिलहाल सीनियर सिटीजन के लिए क्या उम्मीदें हैं एज ए सीनियर सिटीजन सरकार से? उम्मीदें हम लोगों को, ये रिटायर्ड लोग हैं हम लोगों को, तो जितना भी स्पेशली टैक्सेशन में, इनकम टैक्स में डे टू डे महंगाई जो है उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो लोगों को और आसानी हो जाए। अच्छा। और स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए, क्योंकि लोअर को तो आप फ्री भी बांटते हो, ऊपर वाले को वैसे ही कंसेशन देते हो, ये मिडिल वाला कहाँ जाए? अच्छा। तो मिडिल वाले के लिए कोई रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आप लोगों ने सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे कंसेशन भी बंद कर दिया कि वो भी बंद है, तो मतलब ये चाहते हैं जो कोविड के समय में छूट मिलती थी रेलवे के टिकट में, वो होना चाहिए दोबारा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भाई हर वक्त थोड़ी ये शटल थोड़ी है, आदमी घूमते रहेगा, पर वंस इन ए वाइल जब जाता है तो उसको रिलैक्स हो जाए, और क्या, यही है। और बाकी डे टू डे अगर वो लिमिटेड उसको इनकम है, उस पर टैक्सेशन दे देगा तो उसका डे बाई डे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो डाउन होता जा रहा है। ओके, तो महंगाई बढ़ रही है। ठीक है। आपका नाम सर क्या होगा? राजपत आहूजा। राजपत आहूजा, रिटायर्ड बैंकर जी। हमारी पेंशन जो आती है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। अच्छा। ये बहुत बड़ा रोचक है कि हम, और हमारा और कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ पेंशन है, वो भी टैक्सेबल है, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो रेलवे में हमारी सुविधा मिलती है वो बहाल होनी चाहिए। रेलवे में कौन सी सुविधा है? जो सीनियर सिटीजन को जो 50% डाउन होता था, हाँ, वो बहाल होनी चाहिए। बंद हो गई थी एक दो साल पहले, अभी तक बंद है। अभी तक बंद है, वो बहाल होनी चाहिए। और तीसरा ये कि मिडिल क्लास का कोई रोल नहीं है, जो भी बजट आता है वो उसको पीने के लिए आता है, यानी ऊपर की क्लास अफोर्ड कर सकती है, नीचे वाले जो लोग हैं उनको सब्सिडी मिलती है, और जो पिस्ता है वो मेरे जैसा मिडिल क्लास। इस पर ध्यान होना चाहिए। बाकी बजट तो तैयार हो चुका होगा, सीतारमन का लेकर आएंगी, परंतु क्या होगा वो हम सबको मालूम हो जाएगा कल। बाकी कुछ विशेष होने नहीं लगा। अच्छा। धन्यवाद। मैम नाम क्या हुआ जी? हाँ, आप बताएं। मैं कुछ GST के विषय में बोलना चाहता हूँ। नाम बताएं सर। कपिल भार्गव मेरा नाम है जी, और मैं GST के बारे में, मेरी पत्नी भी है जी। हम लोगों के बच्चे वगैरह जब कॉलेज वगैरह के अंदर जाते हैं, एक पराठा खाते हैं 50 रुपये का, उसके ऊपर भी GST लगा रखी है आपने। एक दूध पीते हैं जो कि एक बड़ी नेसेसरी आइटम है, उसके ऊपर भी आपने GST लगा दी। स्कूल के बच्चे की फीस है, उसके ऊपर आपने 18% की GST लगा रखी है। हॉस्टल फीस 18% की GST लगा रखी है। उसके बाद अगर वो भी आवाज छोड़ी है, वो भी सब आपने टैक्स से लगा दिया। अगर कोई इंसान लोन लेता है, लोन लेने के बाद में डिफॉल्टर होता है, तो उसके ऊपर भी GST लगा रखी है। क्या GST इसलिए लगाई जाती है कि जो इसके पास पैसे नहीं है, लोन लेता है, उसके ऊपर भी आप GST लेंगे? थोड़ा सा आप सोचिए, आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों मिडिल क्लास को मारने जा रहे हैं? जमा करते हैं उस पर भी टैक्स। हाँ जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी टैक्स है। आपने टैक्स सिर्फ एक हवा के ऊपर छोड़ के सारी चीज़ों पर आपने टैक्स लगा दिया, ये क्या आप लोगों ने क्या किया है आपने? जरा सोचिए, खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। कम से कम दूध के ऊपर
स्कूल के बच्चों की फीसों के ऊपर, हॉस्टल फीस के ऊपर, पराठे के ऊपर आप लोगों ने जिस हिसाब से 5%, किसी में 12%, किसी में 18% GST लगा रखी है, ख़त्म करें इमीडिएटली। और लोन जो ले रखा है, लोन लिया है, पैसे नहीं है इसलिए लोन लिया जाता है, उसके ऊपर भी आपने GST लगा रखी है। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोनिका भार्गव है जी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप क्या चाहती हैं एज ए हाउसवाइफ? भाई देखिए, मेरे भी छोटे बच्चे हैं और जिस तरह से जो भी नेसेसिटी आइटम्स होते हैं, जैसे कि दूध है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स हैं, जबकि वो रिच उसमें माना जाता है। अब देखिए, जैसे चॉकलेट है 120 की, अमूल की आती थी, आपने उसको 200 कर दिया, क्या 80 रुपीज बढ़ाना सही है? दूध के ऊपर आप हर 3 मंथ्स के अंदर 2-2, 3-3 रुपए करके बढ़ाते हैं। जो दूध हमारा 50 था, आज हमारा 68 हो चुका है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि सभी ने बोला है, भाई रिच तो रिच ही हैं, गरीबों को आप दिए जा रहे हैं। और मोदी जी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहूँगी कि भाई वो मिडिल मैन को भी देखें और अच्छे ढंग से देखें, और उनके लिए थोड़ा सा जो नेसेसिटी चीजें हमारी, तो इन सब के ऊपर जब क्योंकि हाउसवाइफ हम, सब्जी लेने जाती हैं आप? बिल्कुल, इस तरह सब फील होता है उसमें, ऐसा लगता है कि जो चीज मैं पहले 1 किलो लेती थी तो लग रहा है मैं पाव भरी ले लूं तो अच्छा है। आप देखिए, हर चीज को 50 रुपए पाव, 80 रुपए पाव हद कर रखी है। इंसान खाए तो क्या खाए, अब भाई बच्चों को रोज नई नई चीजें चाहिए, हमें भी चाहिए, बट इतनी भी महंगाई मत करो कि हम इतना बोल रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, कहीं मुंह से कुछ और ना निकल जाए। तो मैं कहूंगी जरूर ध्यान दें और जरूर ध्यान दें। आपका नाम क्या हुआ सर? और भी लोगों से थोड़ा सा बात कर लूं सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा हरीश बंसल है जी। तो मैं, आप क्या काम करते? मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। तो फ्रॉम हमारे पर्सपेक्टिव से तो ये जो मोदी जी का जो टाइम बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी चला है, सब चीज़ें, बट पॉइंट ये है कि जो महंगाई है नो डाउट बहुत बड़ी है, और उसमें कुछ कंपनियों को, कुछ सेक्टर्स को फ्री हैंड भी दिया गया है, तो वो जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और इंटरेस्ट रेट कम आ सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी मतलब पीक पे ही चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से हम समझ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो, ताकि जो बोरोवर्स है, जो बिजनेसमैन है, जो लोन की रेट घटेगा तो वो आगे एक्सपेंशन कर सकेंगे और थोड़ा उन पर बर्डन कम होगा। तो नो डाउट कि जो ये गवर्नमेंट बनी है उसमें गवर्नमेंट का जो पहले कैपेक्स लेट जो बजट चल रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश था, तो मिडिल क्लास पे कहीं ना कहीं जो पॉपुलिस जो कहते थे ना कि थोड़ा कंज्यूमर के हाथ में थोड़ी इनकम बढ़ाई जाए, तो उस पर ध्यान कम था मेरे ख्याल इस बजट में, वो गवर्नमेंट देख भी रही है। ठीक है, आपका नाम क्या हो? सर सौरभ भाटिया। भाटिया जी आपके बिल्कुल सामने ही खड़े हैं, भाटिया स्वीट। तो क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट में और किस तरीके की परेशानी वैसे इस बार और बजट में क्या चाह रहे हैं? परेशानी तो सर बस टैक्सेशन को लेकर के आती है, टैक्सेशन को समझने के लिए आती है। जैसे GST के अंदर बहुत सारे स्लैब्स बना दिए गए हैं, बहुत कुछ बना दिया गया है, अलग अलग स्लैब्स हैं, 5%, 18%, 28%। अब हमारे जैसा आदमी बिजनेस करेगा या ये स्लैब्स के अंदर टैक्स भरता रहेगा, अलग अलग कैसे समझेगा उसको, उसको समझने में बड़ा वो रहता है। एंड इसको भरने के बाद, इसको करने के बाद लास्ट में जो निचोड़ निकलता है, फिर उसमें ITR में हम लोग जा करके फंस जाते हैं। तो मैं एज अ व्यापारी चाहता हूँ कि टैक्सेशन को कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बने जिसमें एक सिंगल टैक्स हो जाए, जिसमें हम बहुत इजीली सारी चीज़ें रहें। कहने को GST सिंगल है, बट उसके अंदर जो स्लैब्स हैं अलग अलग, वो बहुत डिफरेंट है। परचेज में अलग हो जाता है, सेल में अलग हो जाता है, तो कहाँ कितना इनपुट मिलना है, कहाँ कितना हमने आगे भरना है, उसको समझने में बहुत परेशानी रहती है। ये चीज़ आपने ये थोड़ा सा फील किया है कि पिछले कुछ सालों में, अगर इस साल की कंपेरिजन करें और 2-4 साल पहले की बात करें, इनकम थोड़ी बहुत बड़ी होगी, लेकिन क्या बचत हो पा रही है? तमाम प्रॉफिट मार्जिन उतने नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत तेज है इस समय। अगर हम बात करें पीछे से, अगर रॉ मटेरियल ही तेज होगा, आगे हमने सेल करना है, तो हमारे पास उस तरीके का बायर भी चाहिए, और वो हर कोई मिडिल क्लास मैन इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। जिसको 1 किलो लेना है वो आधा किलो ही सोचता है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि 1 किलो की जगह 250 ग्राम ही लेने का हर कोई सोचता है कि कम में चला लिया जाए, हर कोई इतना। आपकी दुकान में बिक्री को लेकर भी कुछ असर पड़ा है पिछले कुछ सालों में? नहीं, सेल वाइज नहीं, बट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़े, क्योंकि रॉ मटेरियल तेज है, तो प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं बढ़े। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? करिश्मा जी। आप क्या काम करती हैं? मेहंदी लगाते हैं भैया। अच्छा, तो क्या चाह रही हूँ वैसे मोदी जी से? मोदी जी से ये चाह रहे हैं कि महंगाई कम करें, हर चीज महंगाई बढ़ रही है भैया, महंगाई कम करें, जो कमाई हो रहा है उसमें
उसी में खर्च हो जा रहा, बचत है ही नहीं। हाँ। जब महंगाई नहीं रहेगी तो तब तो पैसे बचेंगे। हाँ। आगे के लिए जब जो कमाई हो रही उस खर्च हो जा रहा तो आगे के लिए क्या इंसान बचाएगा। हाँ। अपने दिन रात के लिए दवाई दर्पण लिए कहाँ था, जब बचेगा नहीं तो दवाई दर्पण कहाँ से कराएगा। पार्ले बिस्कुट जो आता तो छोटा आने लगा, जैसे हम रोड पर जाते हैं डॉगी हैं बेचारे उनको डाल देते हैं, उसमें भी छोटे हो गए, उन बेचारों के लिए हम नहीं डाल पाते। तो भैया जब महंगाई रहेगी तो कहाँ से होगा, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ भाई, महंगा कंट्रोल होना चाहिए। जी 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 सर, आप नाम क्या होगा? मेरा नाम पवन चेतल है जी। मेरे हिसाब से हर गवर्नमेंट जो भी आती है या तो वो अपर क्लास को देखती है या लोअर क्लास को, मिडिल क्लास का कोई भी ध्यान नहीं रख रहा असली चीज़ है। और जबकि मिडिल क्लास पॉपुलेशन ना तो वो नीचे जा सकती ना वो ऊपर जा सकती, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्ट पेडलिंग करनी चाहिए उनके लिए भी। उससे ये होता है कि भैया आपने TDS लगा दिया, कुछ भी कर दिया, सब कुछ पैसा पैसा आ गया, उसके कारण से आप नीचे भी सपोर्ट कर पा रहे हैं और ऊपर वाले को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, बेशक से वो GST है, टैक्स है, TDS है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सबके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उनका ध्यान रखना, पर्टिकुलरली उसके अंदर उनकी इनकम जनरेशन और उनको एक हैप्पी क्वेश्चन देना। असली चीज़ उसमें हैप्पी क्वेश्चन तो है ही नहीं, ना तो वो नीचे देख सकता ना ऊपर देख सकता, तो खुश कैसे रहेगा वो, कुछ कुछ उसको भी खुशी देनी जरूरी है। सर एक मिनट रुकिएगा, सर आपका नाम क्या हुआ? विजय डिंगरा। आप क्या काम करते हैं? मैं मार्केटिंग में हूँ एज एरिया मैनेजर जी। विजय जी क्या चाह रहे हैं, मतलब आपके सेक्टर में क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर? एक्चुअली क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी हैं सब वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से सब स्टाफ को कम करने में लगे हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे स्टाफ वगैरह रखना शुरू कर देते हैं वो लोग, उनसे मार्केटिंग कराते हैं और अपना सीनियर पर्सन रख लेते हैं। अच्छा। तो अभी क्या है कि कंपनियां सब उस हिसाब से सर्कल पे काम कर रही हैं। हाँ। नहीं तो पहले क्या होता था, कंपनी पेरोल पे ही सब कुछ होता था, तो अब उसकी वजह से स्टाफ के लिए नीचे वालों के लिए कम ऑप्शंस रह गए हैं उसमें। तो उसमें यह है कि कंपनीज लेवल पर काम होना चाहिए और कंपनी लेवल्स पर ही ध्यान देना चाहिए, मतलब इस पर भी सरकार को गौर करने की। हाँ, और उसमें जैसे कोई जॉब वाला अपना बिजनेस करना चाहे तो उनके लिए जो लोन वगैरह की फैसिलिटीज है वो इजी होना चाहिए सिस्टम। ठीक है, मैंने भी बीच में अपना बिजनेस शुरू किया था लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से बंद करना पड़ा और फिर वापस जॉब पे आना। अच्छा। पड़ा। तो ज़्यादातर लोग जो खास करके इस बजट में जो लोगों की राय है उसमें ज़्यादातर का यही मानना है कि जो टैक्सेशन है सरकार का जो सिस्टम है वो आसान होना चाहिए और हर चीज़ पर कम से कम टैक्स ना वसूला जाए, उसमें भी आसानी की जाए। और दूसरी बात यह है कि बेवजह जो सरकारी एजेंसियाँ टैक्स को लेकर परेशान करती हैं वो भी परेशानी को सरकार से कम करने की उम्मीद और गुजारिश भी की जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ी है क्योंकि किसी भी चीज़ के, चाहे आप सब्जी के हो, दूध के हो, फल के हो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और मिडिल क्लास जो हर जो ये तबका है, बहुत बड़ी संख्या में जो तबका है, मिडिल क्लास की एक ही डिमांड है कि उसको टैक्स तो भरना पड़ रहा है लेकिन उसकी इनकम, उसकी बचत बहुत ही कम हो पा रही है।